दूसरे का कल्याण कौन कर सकता है। एक राजा था, उसने सुना कि राजा परीक्षित ने भगवती की कथा सुनी तो उनका कल्याण हो गया। राजा के मन में आया कि अगर मैं भी भगवती की कथा सुन लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा ने एक पंडित जी से बात की। पंडित जी भागवत सुनने के लिए तैयार हो गए। निश्चित समय पर भागवत कथा आरंभ हुई। 7 दिन बीतने पर कथा समाप्त हुई। दूसरे दिन राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी, ना तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी, ना मैंने सुनने में कोई कमी रखी, फिर भागवत सुनने पर कोई फर्क तो नहीं, बात क्या है? पंडित जी ने कहा कि महाराज, इसका उत्तर तो दो मेरे गुरु जी ही दे सकते हैं। राजा ने कहा कि आप अपने आदरपूर्वक यहाँ आए, हम उनसे पूछ लेंगे। पंडित जी अपने गुरु जी को लेकर राजा के पास आए। राजा ने अपनी शंका गुरु जी के सामने रखी, भागवत सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, मन की हलचल क्यों नहीं मिटी। गुरु जी ने राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपना अधिकार दे दो। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गुरु जी ने आदेश दिया कि राजा और पंडित जी दोनों को बांध दो। राजपुरुषों ने दोनों को बांध दिया। अब गुरु जी ने पंडित जी से कहा कि तुम राजा को खोल दो। पंडित जी बोले कि मैं खुद बंधा हूँ, फिर राजा को कैसे खोल सकता हूँ। गुरु जी ने राजा से कहा कि तुम पंडित जी को खोल दो। राजा ने यही उत्तर दिया कि मैं खुद बंधा हूँ, पंडित जी को कैसे खोलूं। गुरु जी ने कहा कि महाराज, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। गुरु जी बोले, जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरों का बंधन कैसे मुक्त कर सकता है, दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है। अनुभवी पुरुष से जो लाभ होता है वैसा लाभ दूसरे पुरुष से नहीं होता, इसलिए अनुभवी पुरुष की वाणी के अनुसार ही अपना जीवन चाहिए। धन्यवाद। अपने मन के भाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें व वीडियो को लाइक व मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आओ मिलकर सफर तय करें धर्म से अध्यात्म की ओर।